कोसली विधानसभा क्षेत्र में तो वो मुकाबले में काफी पीछे हैं। बाकी आप ज्यादा जानते हो, आप बहुत टफ फाइट है, इतना आसान नहीं है। पिछले चुनाव में जितेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री के सुपुत्र थे, आज मुख्यमंत्री के सुपुत्र नहीं है। पिछले लोकसभा के चुनाव में उनकी सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय 2014 के चुनाव में। आज वो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, आज हालात में बहुत भारी बदलाव है। इतना आसान नहीं चुनाव, बहुत टफ फाइट हो रही है सब। और यहाँ से मुझे लगता है बीजेपी का उम्मीदवार जीत करके जाएगा, क्योंकि उसकी जीत में हमारा एक अहम योगदान होगा। जहाँ से हम इतनी बुरी तरह हराएंगे उसको जिताएंगे बीजेपी वाले को, ये उसका मार्जिन बहुत बड़ा। हाँ, मैंने समर्थन दिया बीजेपी में। मैं हूँ तो राव इंद्रजीत सिंह का हल्का है गुड़गांव, मेरा हल्का है रोहतक। आप समझ रहे हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रोहतक पार्लियामेंट में आती है, मुझे रोहतक तक मेरा मतलब। मुझे राव इंद्रजीत सिंह मेरा विरोध क्यों करेंगे रोहतक में? वो गुड़गांव चुनाव लड़ रही, अलग अलग हल्के सब आप जुड़ते हैं, आप उसका दिल से साथ देते हैं। जब चौधरी बंसीलाल जी ने चौटाला सरकार के अंदर अपना विलय किया, तभी जाके आपने चौटाला सरकार ज्वाइन की। अलग राजवीर भाई का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने सबसे पहले मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। साथियों, आज मैं कोई रटा रटाया या कोई राजनीतिक भाषण आपके सामने ना देते हुए जो मेरे मन के अंदर भाव है, जो उदागर है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा।